भिंड जिले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में अवैध शराब की बिक्री करने वाले तस्करों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि गोरमी थाना प्रभारी ध्यानेंद्र सिंह यादव की मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि बालूपुरा चौराहा से एक संदिग्ध स्विफ्ट कार जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर कार को रोका और उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार से 20 पेटी देशी अवैध शराब जब्त की गई और अवैध शराब के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों से जब्त की गई अवैध शराब की कीमत करीब करीब 6,20,000 रुपए बताई जा रही है। भिंड से ज्ञान सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। कल रात 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में जो है एक अवैध शराब के परिवहन की सूचना मिली थी, जिसके तहत थाना प्रभारी द्वारा वहां पर कार्रवाई के लिए टीम गठित करके वहां रवाना हुए, जहां पर एक टू व्हीलर सामने आ रही थी और उसके बाद गाड़ी आ रही थी इस तरह से। तो इनका ये था कि भाई गाड़ी जाए तो आगे किस तरह की अगर पुलिस होती उसको सूचना दे। इस संबंध में जो है जब्ती हुई है 20 पेटी दारू और एक कार जब्ती हुई है मोटरसाइकिल, जो टोटल कीमत है 6,20,000। ये कार्रवाई जो की गई है थाना प्रभारी ध्यानेंद्र सिंह, विश्वम्बर दयाल सिंह कुशवाहा और बाकी पूरी टीम द्वारा सराहनीय भूमिका रही।